वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। देश में कई लोगों के सेविंग अकाउंट होते हैं और ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि आपके अकाउंट में पड़े बैलेंस में कितने पर टैक्स लगता है और कितने पर नहीं। दरअसल बैंक की तरफ से सेविंग अकाउंट पर हर साल ब्याज दिया जाता है। वहीं आप में से कई लोग ये नहीं जानते कि एक साल में आप सेविंग अकाउंट में कितने पैसे डालें और निकालें, जिससे आप टैक्स के दायरे में ना आए। बता दें कि बैंक कंपनियों को हर साल टैक्स डिपार्टमेंट को उन लोगों ने जिन्होंने 10 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट निकाले हो उनका जवाब देना होता है। टैक्स लॉ के मुताबिक बैंक को करंट फाइनेंशियल ईयर के समय उन अकाउंट्स की जानकारी देनी होती है। ये लिमिट टैक्स पेयर के एक या एक से अधिक खातों में फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा के लिए ओवरऑल देखी जाती है। करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट की लिमिट 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है। बैंक चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, जो भी एप्लीकेंट्स को अकाउंट खोलने की सुविधा देता है उन बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू होता है। ऐसे बैंकों को अकाउंट ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देना जरूरी होता है। करंट और टाइम डिपॉजिट वाले अकाउंट्स को छोड़कर खास करके उन खातों में फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा किया जाता है। जो बैंक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड सर्विस देता है और उस पर भी ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू होता है या किसी और कंपनी को अकाउंट ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देना जरूरी होता है। एक या दो से ज्यादा जिनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं और उन्हें बिल के विरुद्ध एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे अधिक का कैश भुगतान करना होगा। साथ ही बिल के विरुद्ध किसी भी मोड से 10 लाख या उससे अधिक की पेमेंट करनी होगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला